इजाजत। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, पहले छोटी सरकार को तो आ लेने दो। आज सफेद जोड़ा पहन लेते आप? सफेद सिर्फ कफन पहनूंगा। तन खलड़ी मट्टी गारा, मन मोती मन हीरा, मन मेला मत होवण दे, मन माही दा द्वारा। एक है तू अलतीफ वकील वकबीरो जलील, कदम रखते ही आवे सुकून हाथ से पिसोया। आगे आगे देखिए बताएगा। साबरा, शकील काम मर गए सारे भाई, नौकर भी नहीं सुनते अब तो। औरत खड़ी होगी कहीं तालियों की गूंज में, क्या हो गया ये? सबने शौहर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक गर्म फुलका बना के नहीं दे सकी अपने शौहर को, किसे अवार्ड दे रहे हो यार? हेलो यू बस उसके नान ये ओके तो बड़ी टैलेंटेड वही ना, जब भी देखता हूँ नया नया लग रहा होता है। शी इज वेरी टैलेंटेड। बाप के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बाप के बारे में? बाप तो मेरी मिठाई है। आप रेस्ट करें। हाँ ओ डैड, कल हम शतरंज की बाजी खेल रहे हैं, प्लीज जल्दी आइएगा। सिया too good, beautiful. Hold that. Gorgeous. Beautiful. अब बहुत हसीन है शाना जी, माशाल्लाह। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? टीवी कमर्शियल के बारे में। पैसे कम है लेकिन बुरे नहीं है। लगता है इस लड़के की बात मुझे माननी ही पड़ेगी। बस एक लास्ट बार, तीन दिन का शूट, 45 lakhs टेक होम, दैट्स इट। डन। Signalman to the outside, and the loose horse is running in behind them. The
two trailers are ever fast and laughing fox. 22.5 was a swift opening quarter mile as they head onto the backstretch where Warriors Charge leads the way. Market King is second, and then it's another twist of fate. Assalamu alaikum, JD. मेरा नाम जावेद अहमद है, जेदी वेदी क्या है? कब आए? 55 साल हो गए। मैं दुनिया में आने का नहीं पूछ रही, पूछ रही हूँ घर कब आए? पता नहीं। लगता है मिजाज यार बखैर नहीं है। मेरे महबूब शोहर फिर से रेस हार के आए हैं। जीता हूँ, लंगड़े घोड़ों पर रेस नहीं लगाता जो हर वक्त हारता रहूंगा। और तुम ये जो टीवी पे जो झूठ बोल रही होती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी? क्यों, आज ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? शाना बेगम, रंग कर देने से गधा जेबरा नहीं बन जाता। बेरुखी को मोहब्बत के लिफाफे में लपेट के इश्क का नाम दोगी ना, मजाक उड़ाएंगे तो। फिलहाल तो मुझे आप पर हंसी आ रही है। मत क्या करें ऐसी बातें जानो, जहर लग रहा है मुझे। तुम लिफ्ट क्यों नहीं कराते मैंने? सो जाइए, सुबह उठेंगे तो ये सारी खुराफात आपके जहन से उतर चुकी होगी। मुझे टाइम चाहिए शाही। आपकी औलाद को कुछ कम ना पड़ जाए इसलिए कूटती हुई पत्थर। कोई शौकिया फनकार नहीं हूं मैं। मेरा क्या कसूर है इसमें, मुझे तो बीवी चाहिए ना हर वक्त। सो जाइए जानो, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। मैं चेंज करके आती हूँ। पिंजरे में गुटर को हर वक्त गुटर। एक ही बात कहते, कभी सुभान तेरी कुदरत भी कहा करो, सवाब मिलेगा, खेलो। तूने फिर पैरों में घुंघरू बांध लिए लड़की? पाजेबे है, घुंघरू तो नहीं चाचा जान। तो वाइफें करती हैं ये फैशन, तू और तेरी माँ। वासिफ, इसकी माँ मेरी बीवी और तेरी भाभी है, जो बोला करो पहले उसे तोला भी करो। तोलने पे आया तो कोई रत्ती माशा नहीं निकलेगा यहाँ। बुजुर्गों का शिमला चलमन बना देने वालों को ये बातें जेब नहीं देती। भाई जान वासिफ, अपनी बेटी से कहो घुंघरू बांध कर मेरे सामने ना आया करे। तवाइफी, चिलमन, घुंघरू, ये चाचा जान हर वक्त ऐसे क्यों बातें करते रहते हैं हमसे? किसी और से तो करते नहीं है, क्यों बाबा? सीओ ही बेटा, अखड़ है मेरा भाई, क्या करे। अगर आप कहें तो सीधा कर दो छोटी सरकार को। बुरी बात बेटा, पढ़े हैं तुमसे, ऐसा नहीं कहते। तो वैसा भी तो नहीं करते ना बाबा। अच्छा चलो, इन बातों को ज्यादा मत सोचा। अच्छा बताओ फिर क्या क्या नाम रखे उनके? इसका नाम रखा है चिंटू, पिंटू और मिंटू। बड़े मिलते जुलते नाम है। चलिए मैं आपको वहां दिखा दूं। और भी है? और भी हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा सुनो, आज अपने डार्लिंग को बलों वाला पराठा खिलाऊंगी और ना मत करना, समझ में आए? सुन में आया। साबरा ने बेला, मैंने तवे पे डाला, फिर उसने असली घी लगाया और बन गया पराठा। यानी इसमें जरा सा तुम्हारा हाथ है, नसीब अपना। खाली पेट सोएंगे तो फिर ऐसी ही बातें करेंगे उल्टी पुल्टी। रात को क्या कह रहा था मैं? बहुत कुछ।
हेलो एवरीवन। परवेज। हाय बडीज। जिंदा हो तुम क्या? ऐसे मरे हुए 8वां दिन हो गया, और वैसे भी मेरे घर में ना बेवफा दोस्तों का और भूतों का दाखला बना। बड़ा आया घर वाला। सलाम कर शहाना को जो आज भी इस खफ्ती के साथ निभा रही है। वैसे शाही बड़ा मनहूस दिन था ना, कभी हमारी जिंदगी में आया था। मनहूस नहीं, मुबारक। और उस मुबारक दिन की सिल्वर जुबली है ठीक 7 दिन बाद। अरे वाह 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 वाह, फिर तो सेलिब्रेट होना चाहिए, कोई पार्टी शार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर होगी भाई, क्यों नहीं। कहाँ से होगी? तुम्हारी माँ है माशाल्लाह, मुल्क की इतनी मशरूफ फनकारा, टाइम कहाँ होगा इनके पास। और अगर हुआ भी तो इस गरीब वकील शोहर के साथ कहाँ बिताएंगे। एनीवे मैं टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये कैक मिला और किससे। ओके बाय। अच्छा डैड मैं भी आ रहा हूँ साथ। रिलैक्स, घबराइए नहीं, मैं हूँ ना, ठीक है? रात सिया हर्ट। अच्छा कि पराठा तुम भी ट्राई करो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक मिनट, ये ना समझना कि मैं लंच पे नहीं आऊंगा। अरे भाई बेस्ट फ्रेंड अगर पड़ोसी हो तो बहुत ज्यादा तंग करता है। देखो भाई, बेटियों को भी उतना ही चाहो जितना बेटों से प्यार करते हो। रब्बुल इज्जत का हुक्म सुनो, अंबिया कराम की बेटियों से मोहब्बत देखो, रहमत को जहमत ना समझना, वरना कुदरत इतना पीटेगी कि तबीयत ठिकाने आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप लोग नमाज पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आजा मेरी गुड़िया आजा। आखिर क्या करूं दादाजी, आपके दामाद ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, जबान उनकी कोड़े जैसी है, और एक आपके कान है जहां पे जो नहीं रिंगती। अरे इतने अच्छे अच्छे अल्फाज कहां से सीखे मेरी गुड़िया ने? आपसे और कहां से, जानते हैं आस्ताने में सब बहुत अच्छे हैं, सिवाय उस स्यापोश चचा वासिफ के। अरे उसकी ऐसी की तैसी? आज तक तो हो ना सकी आपसे उनकी ऐसी की तैसी। मैं अब कर दूंगा। कैसे? जैसे ही तू बीए करेगी हम समझा देंगे उसे। या अल्लाह, आपको पता है? लो हमारी गुड़िया की खुशी और हम ना समझे। खुदाया इस आस्थाने में कोई बात छुपी नहीं रहती, ये सरप्राइज था, मैंने आपको नहीं बताना था। बस मुझसे बात ना कीजिएगा आप, मैं देखती हूँ ये राज किसने फाश किया। सुना है आज फिर झड़प हुई दोनों भाइयों में? जी हाँ। आगाज मेरे शौहर ने किया होगा और वजह होगी तुम। जाहिर है मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसने पीरज़ादा नफीसुद्दीन जैसी जन्नती रूह को अर्श से फर्श पर पटक दिया। मत कहा करो ऐसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ही चलता है कायनात का पहिया। तुम कौन मैं कौन? तुम तो खैर आला हसब नसब वाली पीरज़ादी हो और मैं तो समझूं। अम्मा मेरी साइकोलॉजी की किताब कहाँ रखी है आपने, बताएं मुझे। कत्ल करवाओगी क्या? तुम्हारे चचा को पता चल गया कि तुम पढ़ रही हो तो समझो। पर मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों के सीने में है बकरी का दिल जो हर जालिम को शेर समझता है। पर मैं नहीं डरती किसी से और ना ही किसी के सामने सर झुकाती। आप लोग ही डरते फिरते हैं। छोटी अम्मी वैसे मुझे एक बात बताए, बासित चाचा जिस खड़ूस आदमी से शादी क्यों की थी? कोई और नहीं मिला था आपको? हद में रहे नोशी, हद में रहे। ये तालीम तुमसे बड़े छोटे का अदब लिहाज छीन रही है क्या? मुझे समझाती रहती हो हमेशा, उससे आप पोष को भी तो समझा जो हर वक्त चुप हो जा। मैंने कहा ठीक है हो गई चुप, चुप हो जाती हूँ मैं, लेकिन अगर फेल हो गई ना तो फिर तुम सब बैठ के रोना, इस जवान मौत पर अपना बैठ के सर पीटना। अरे नोशी बस भी करो। अच्छा भाई बस कर देती हूँ मैं, बस मैं ठीक है बस कर देती हूँ, मुझे क्या है बस कर देती हूँ मैं।
लेकिन एक मिनट, दादाजी को किसने बताया कि मैं बीए कर रही हूँ? भाई बड़े ही हल्के पेट के हैं दोनों अम्मा। अल्लाह नाजो, तुमने मेरी साइकोलॉजी की किताब देखी है? किसकी? या अल्लाह मेरी। चल आज मैं तुझे बताती हूँ। सब उसी के बंदे हैं, सब कुछ देखता है हर वक्त। अरे क्या कर रहे हो ये? छोड़ो इसे, छोड़ो। इस शख्स के कहने पर तूने रात को लंगर खोला था ना, जानता नहीं कौन है ये? चलो जाओ सब लोग। 25 साल पहले जो कचरा आपने उठाया था उसकी बू से बेजार नहीं हुआ आज तक? तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता है वासिफ, दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और शौकत की कसम, दिमाग आपका और पीर साहब का ठीक नहीं है। शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, किसी रम्स को जरा सा भी नहीं समझते आप। इसलिए उनका तो न जाने क्या होगा, लेकिन आपकी मंगेतर, आपकी गद्दी, इज्जत, शान और शौकत सभी कुछ छीन कर आपसे मुझे दे दी। इसमें कोई शक नहीं है कि यादाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन एक बात तुम हमेशा भूल जाते हो कि ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी से कुर्बान कर दिया था मोहब्बत के नाम पर, और इसीलिए सब कुछ तुम्हें मिल गया। तो मसला क्या है? चलाओ ये सारा और बताओ दुनिया को कि एक अच्छा सज्जादा नशीन कैसा होता है। कोई मसला तो नहीं है ना मेरे भाई है? लेकिन बुड्ढा हो गया तू, और तेरा खेल प्यादे और घोड़े से आगे ना बढ़ सका। बेटा ये बादशाह वजीर जो है ना, ये घोड़े प्यादों से मरते हैं। इधर आओ ना, गौर करना, जान जाओगे सब बात। नहीं हरगिज़ नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी उनसे। इनके कॉल और फेल में खुला तादाद नहीं तो और क्या है? आप जाने आपका महबूब शोहर। क्यों मेरी अकलौती औलाद को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम? अरे जावेद कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों करूंगी आपके लिए ऐसी बात? आपका बेटा आपके साथ खाना खाने को तैयार नहीं, पूछे तो सही क्या मसला है? सच मुझ गेम पे क्यों नहीं है यार वो? अरे यार वो क्या डरता है तेरा बाप हार से? यार तू बकवास कर। अच्छा बेटा वो मेरा मुंशी है ना, वो गिर गया था ऑफिस में, उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डैड फोन तो कर सकते थे, डेढ़ घंटा ख्वार हूँ मैं। फोन चैम्बर में भूल गया था। अब रिश्वत लगा बेटे को, वरना जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी वकील साहब। यार तू तो आराम से बैठना। अच्छा, क्या? अच्छा, लड़ाई लड़ाई माफ करें, खाना लग गया है, खाने के लिए चलें, बस नखरे ना करें। चलो हाँ हाँ, भूख लगी है। चलो चलो चलेंगे। हेलो क्या आ रहा हूँ? जावेद क्या हो गया? सही नहीं जाती तस्लील तुम्हारी। खाना मैं लगवाती हूँ। हाँ। वकील साहब कमाल करते हो मुंशी साहब, आप भी। अस्पताल से आने की क्या जरूरत थी, वहीं रुकना चाहिए था। जबरदस्ती आ, और जब से आए खून थूके जा रहे, क्या करूं मैं? मेरी अर्थ पर आप चले आए, बड़ी मेहरबानी आपकी। इससे पहले कि डॉक्टर मुझे जवाब देते, मैंने ही उन्हें जवाब दे दिया। आखिरी स्टेज का कैंसर पाल रखा है, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। अरे आप छोड़े इन बातों को, चले उठे मेरे साथ, आइए। कहीं नहीं जाना साहब, मेरी बेटी नताशा बहुत लाडली, मर गया तो इसे पढ़ा दीजिएगा, किसी अच्छी जगह ब्याह दीजिएगा। आप जरा बात सुनिए,
ठीक है? जावर, जावर। जी छोटी सरकार। इस शख्स के कहने पर आज के बाद अगर कुछ हुआ, किसी ने लंगर खोला, किसी को पानी भी दिया, टांगे कटवा देना उसकी। मेरा हाथ थाम कर पछता रहे ना आप पीरजादा साहब। महबूब को पा के भी जिस वक्त हम गलत ना, कम से कम मैं वो बदनसीब नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हाल में रखे। पहाड़ जैसा हौसला आपका, लेकिन मैं थक गई। कैसी बातें कर रही हो? बेटी वाली है, उसे मंजिल पे पहुंचाए बिना तो हम मर ही नहीं सकते। अरे भाई, आज तो बता ही दे कि ये ऐसा कौन सा राज है जो आप दोनों को चुपके चुपके रुलाता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही तेरे बारे में ही सोच लेती। आप झूठ नहीं बोलती, ये सच है ना? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। और आप? मैं तो ओहो, ये किन बातों में लगा दिया तुमने हमें? भाई शाम का वक्त है, जाओ हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। पहले मैं अपने कबूतरों का पेट भर लूं, फिर मैं आपका सोचती हूँ। चलो ठीक है। ओके। चाय, समोसे, बिस्किट। खबर झूठी हुई तो तुझे आरा मशीन पर रख के चीर दूंगा कासिम। जबान काट कर कुत्तों को खिला दीजिएगा। लड़की ने बीए के पर्चे दिए हुए हैं। वो नाचने वाली इस लड़की को पढ़ा कर आस्ताने पे जब बगावत का बारूद दबारी उसका धमाका नफीसुद्दीन की जान लेगा। मेरी जान का ख्याल कीजिएगा सरकार। शक्ल से कमीना, आंतों से घटिया और हुलिये से कंगला लगता है, लेकिन लेकिन करोड़पति, करोड़पति। और अपने शहर का प्लाट आपको हदिया करना चाहता हूँ। सारी उम्र पटा पहनकर आपकी गुलामी करना चाहता हूँ। बस मेरी जान बख्श दे, तुझे बख्श दे। लाला बीमार थे क्या? जी बहुत ज्यादा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। परवेज जनाजा उठाओ। हाँ हाँ चल। नहीं अलविदा प्यारे अप्पू, फिक्र ना करना, जीना आता है मुझे। ओ मिस्टर, इस मासूम के आंसू देखो और मेरी जगह आकर देखो। सर मैं बैचलर जरूर हूं, वो भी क्रॉनिक बैचलर,
लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ऑफिस की कोई भी लड़की उठकर मुझ पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दे। इल्जाम तो अब लग गया, एम्पायर की उंगली उठ गई है, तुम झूठा साबित कर दो इसे, ये क्लीन बोर्ड हो जाएगी, सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल सर। मोहतरमा तीन दिन से ऑफिस नहीं आई, वीकली रिपोर्ट नहीं बनाई, मैंने डाटा तो मुंह उठाकर सीधा आपके पास चली आई। आपने मेरे हाथ पे हाथ रखा, मेरा हाथ दबाया, आपने मेरी तरफ देखा, आप मुस्कुराए, और जब मैंने आपको लिफ्ट नहीं करवाया तो आपने मुझे एक्सप्लेनेशन लेटर थमा दिया। वाओ, व्हाट सर, ये लड़की झूठी और बेईमान है, आप तो मुझे जानते हैं सर, ये लड़की भला मेरा मेरी क्लास हो सकती है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये मेरे करियर का मामला है। करियर? अगर अपने करियर की इतनी परवाह थी तो अपने जज्बात को काबू में रखते ना। खैर, कमेटी बैठेगी, फिर देखते हैं। बड़े शौक से आप मॉम के साथ खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? थोड़ा नाखुश रहने लगे हैं अब, बस ये बात कबूल नहीं करना चाहता। आप दोनों मियां बीवी ने मिलकर मेरे साथ ज्यादती किया। What are you talking about? क्या कर दिया हमने? कोई भाई नहीं, बहन नहीं, कभी कभार अकेला पड़ जाता हूं। इसकी जिम्मेदार भी तुम्हारी अम्मी है। अपनी शो भी इसकी दुनिया में ऐसी मगन हुई कि उन्हें हमारा कुछ करा दिया, लिहाजा मतलूबा सहूलत तुम्हें फराम नहीं कर सकती। मतलूबा सहूलत? अच्छा है रेड, बहुत अच्छा है। बारी आपकी। ये लो, जीती रहो माशाल्लाह। बाबा आप हिम्मत ना करते ना तो ये मैं इम्तिहान कभी भी ना दे पाती। I love you so much, बाबा। बेटा बेटा, अंग्रेजी जरा धीमी आवाज में बोला करो, अगर वो उसने सुन लिया ना पागल ने तो। ना 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 ना, अब नहीं डरना। आपकी बेटी बीए पास होने वाली है और ऊंची अंग्रेजी बोलूंगी मैं। कोई जुल्म ढाक के दिखाए मुझ पर, कोई मेरी तालीम छीन के दिखाए मुझसे। बातें सुन रहे हैं आप इसकी? रिवायात शिकन कबीले की लड़की है, ऐसी बातें इसे भेज देती है, आखिर मेरी और तुम्हारी बेटी है। मेरी भी तो कुछ लगती है नादरा, बोलती क्यों नहीं? लो भाई असली माँ आ गई। सच्ची बात तो ये है कि अगर सलमा इसे ना पढ़ाती ना तो ये कभी बीए पास कर ही नहीं सकती थी। एहसान नहीं किया मैंने, ये तो मुझे करना ही था। और सुनो नादरा, पीर साहब बुला रहे हैं इन्हें। नफीसुद्दीन को 20 साल हो गए सलीब पर टंगे हुए, क्या कम है ये? बहुत कम। सूली चढ़ता, जिंदा में घसीटा जाता, गले में रस्सी बांध कर आस्ताने के दर पर बांध दिया जाता, तब भी कम था। भाई है, अरे भाई है तुम्हारा। और मैं दामाद हूं आपका। आपकी डूबती हुई नैया को बचाने वाला इकलौता मल्ला। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तो कब से कह रही हूं इन्हें, मेरी बात तो सुनती नहीं है। अब आप ही समझा दें इन्हें कि क्या होने वाला है। ठीक कह रही है नाजो, दुल्हन बनने का वक्त करीब आ रहा है तेरा गुड़िया, तैयारी कर। कोई नहीं, मास्टर्स करवाए मुझे,
शादी क्या होती है? बताऊं तुझे क्या होती है शादी? पीरों की औलाद है तू, जबान काबू में रखा कर, जो मुंह में आए बकना दिया कर। जानती हूँ, तंग आ गई है ना आप मुझसे? बस बेटी जवान हो जाए तो निकाल लेगी, जल्दी क्यों करते हैं माँ बाप? कौन निकालेगा तुझे? शहजादा ढूंढ के लाऊंगी तेरे लिए। अच्छा, कैसा होता है शहजादा? बताएं जी, कैसा होता है शहजादा? जो बात करे तो शहद चपके, मोहब्बत की खुशबू में लिपटा हो सरापा जिसका। ओ अच्छा, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, जला दो, मार डालो, जिंदा काट दो, पर दस्तखत नहीं करूंगी। सुबह से निकल कर तेरा तो बाप भी दस्तखत करेगा मेरे इस मोहब्बत नामे पर, बल्कि अंगूठा रखेगा, अंगूठा रखेगा। ना कर जुलम, ना कर उस यतीम पे जुलम, बाकी का गुस्सा मुझ पर निकाल ले। छोकर है तो उसकी सदा फुफी मत मान, इसकी जैसे खुश शराफत से मान गए इसको भी समझा। तीसरी शादी शरई हक है मेरा। हम दोनों के हकूक पूरे कर दिए जो तीसरी करने चल पड़ा। इस बोर की गोली इस मुंह के अंदर मारूंगा। जहां से इत्तेजाज की आवाज चू बन के बाहर निकली भी तो मत दे मुझे इजाजत शादी की। हाँ? मैं तुझे तलाक। ना ना, अल्लाह के नाम पे तलाक का लफ्ज ना बोली। कर दे रुकैया साइन, इस जालिम ने सेरा बांध के ही दम लेना है। ना दे, करते हो दस्तखत, करते हो जुल्म इस यतीम पे, तुझे मेरी बदुआएं लगेंगी, तेरी जिससे शादी होगी तुझे जली हुई रोटियां खिलाएगी। जा जा, कर ले उस चुड़ैल से शादी। ये बात, इस्तकबाल की तैयारियां करो मेरी शहजादी की, आ रही है वो। आए मेरी शहजादी, मेरी लुड्डी, मेरी गुड्डी, मेरी गुलमखनी, मेरी गुलमखनी। अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है, बेमकसद तो पैदा नहीं किया ना खुदा ने मुझे। हाँ ये तो ठीक कहा। नोशी, तू फिर किताब लेके बैठ गई है? किसी बड़े ने देख लिया ना तो तेरे बाबा को फिर से पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। अगर बड़े से मुराद आपकी छोटी सरकार है तो उनकी फिक्र ना करें, क्योंकि उनकी आंखों में हम धूल झोंकने वाले, फिर वो हमें देख ही नहीं सकेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाचा जान के खिलाफ दादाजी के कान भरने वाली हूँ, किसी को बताइएगा नहीं, उनको पिटवाने का हमने अच्छा सा प्लान बना लिया। क्या बकवास नाजुक, उठ उठ ना, देखो सुन तो नहीं। ओ, नाजुक को कहाँ भेज रही है? पागल होगी, तो दिमाग खराब होगी। अब बता मुझे क्या बकवास कर रही है, मुझे बता। अम्मा नाराज क्यों होती है? अच्छा एक बात तो बताए, क्या बाबा और छोटी अम्मा मंगेतर थे? तुझे किसने कहा? मुझे तो बहुत दिन का पता है, मैं तो कोई अच्छा मौका ढूंढ के सोची थी आपसे पूछ लूं, कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी भी कोई अच्छा मौका नहीं है, जो तू माजी की जमीन खोदने लग पड़ी है। किताब छुपा डाल दिया, फिर डाल दिया, यानी सच बात है। तभी तभी दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते और बात भी नहीं करते, मगर ये क्या बात है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस है भाई, लड़की जीत जाएगी या लंगड़े घोड़े पे रकम नहीं लगाऊंगा मैं। अरे अच्छा खैर, तुम छोड़ो पे जी, फिक्र ना करो, मैं बैरिस्टर जमील से बात करती हूँ। खबरदार मेरे मुखालफिन का नाम मेरे सामने ना लिया करें, ये मैंने आपसे 10 मरतबा कहा। एनीवे जो भी कुछ है मैंने सुना समझा, तुम्हारा जो बॉस है ना ये मिला हुआ उस लड़की के साथ, इसीलिए तो अदालत में घसीटना चाहता हूँ उसे। टर्मिनेशन लेटर लेके आते ना तो शायद कोई बात थी, रिजाइन करके आया हरासमेंट के केस के अंदर। बस वारदात करो, वकील के पास पहुंच जाओ, कोई काम नहीं और। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या कर डाला? जवानी की भूल या बुढ़ापे की गलती? मैं और शाना दरअसल तुम्हारे डैड को यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रहे थे। मैं तो यहाँ पे कोई हेरासमेंट केस का सुनकर इस तरफ आया था, लेकिन खैर अगर आप लोग मुझे बच्चा समझ के नहीं बताना चाहते शो को। जी जाना, फिर हो जा शैतानी की बाजी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, सवाल सी हो। कितनी शर्म का मुकाम है, बच्चे से मुंह छुपाना पड़ गया। कॉफी पिलाओ इसे यार। कॉफी वॉफी नहीं पीनी, मैं तो बहुत थका हूँ। एक काम करो शाना,
प्लीज यार मेरे लिए गेस्ट रूम खुलवा दो, बहुत थका हुआ हूँ यार, लंच करके जाऊंगा। सुनो, एक बड़ी जबरदस्त जॉब की ऑफर आई है, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। गुस्ताखी माफ पीर साहब, आपके मुंह से तासुब की बू आती है मुझे। नफीसुद्दीन मुजरिम है, इसके बावजूद खासा मकबूल है आपके यहाँ। मेरे यहाँ अपने बारे में मुरीदों की राय नहीं जानते तुम? उन्हें मैं संभाल लूंगा। कब? जिस रोज आप ये गद्दी मेरे हवाले कर देंगे तब। तो फिर ठीक है, जब मेरी आंखें बंद हो जाएं तो फिर आ जाना तुम और इस गद्दी को संभाल लेना, बल्कि जिस गद्दी पर चाहे बैठ जाना। देखिए पीर साहब, मैं जैसे जाना अपनी याद की, मैंने बुलाया। चोरी छुपे कार्रवाई डालने की आदत बदली नहीं आपने भाई जान। चाचा जान, अल्लाह के करम से नौशी ने भी एक ध्यान दिया। किससे पूछकर? तुमसे मतलब? ज्यादा नशीन हूं उस गद्दी का जो आपसे छीन कर मेरे हवाले कर दी गई थी। यहां हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। अच्छा? जी हाँ। मेरी आंखों में धूल झोंकी गई, एक बार फिर से रिवायात को ठोकरों में उड़ाया गया, इसलिए मेरा हुक्म है कि इस जुमे को पीरजादा कासिम से नौशी का निकाह कर दिया जाएगा।